सो हे गाइस वेलकम बैक टू अगेन माय। हाँ चल के देखते हैं। अचानक से इतनी ठंड सी लगने लगी है, ऐसा लगा जैसे इस वाले गेट की तरफ से कुछ गया है। ये वाला जो गेट आप देख रहे हैं पीछे, इसमें ऐसा लगा जैसे नेगेटिव चीजें होती हैं। जो स्किन पे ये घूस बम्स वगैरह देख रहे हैं ना, ये एकदम से खड़े हो चुके हैं। मतलब अजीब सा एकदम से हो गया यहाँ पे। मतलब हम लोग यहाँ आ तो गए लेकिन एक अलग सी एनर्जी हमें यहाँ फील हो रही है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि बस यहाँ से निकल लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा देर तो रुकना बेकार। ये क्या लगा था यहाँ पे? सो हे गाइस वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल माय वेज माय रूल्स। एक बार फिर से गाइस, आज का जो प्लान हुआ है हमारा हुआ है यहाँ के हॉन्टेड हाउस का। तो बस यहाँ से हम निकलेंगे सीधे, और जो कि हमारा आज का व्लॉग है तो उसमें हमारे सारे ये राइडर्स आ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट निकलने के लिए तैयार हो गए हैं। तो सीधे मिलते हैं आपको अपने जो रास्ता है उसके लिए, तो मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हम इस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। काफ़ी इन चीज़ों के बारे में सुना भी था, क्योंकि ये इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस में आता है। ये जो हॉन्टेड हाउस है इसको बेसिकली कहते हैं जीपी ब्लॉक। तो ये काफ़ी इसके वीडियोस वगैरह इंटरनेट पे और क्या नाम है यूट्यूब पे पड़ी हैं, तो आप देख सकते हैं। और बाकी अब सीधे जाएंगे यहाँ पर, अंदर देखेंगे। तो काफ़ी सारे लोग जो हमारे साथ हैं वो फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आए हैं। तारिक भाई, तुम्हें पता था इस लोकेशन के बारे में क्या पहले? नहीं भाई। अच्छा, पता वैसे थोड़ा थोड़ा तो वैसे सभी को पता है, लेकिन कभी हम यहाँ पर एंटर नहीं हुए हैं। तो बस अब यहाँ पे देखते हैं, समर आने वाला है। जैसे ही समर आएगा वैसे ही हम सीधे अंदर जाएंगे और देखेंगे कि ऐसा है क्या इस जगह पर, और क्या नाम है इतना ज़्यादा इसको हॉन्टेड जो प्लेसेस हैं इंडिया की उसमें टॉप 10 में क्यों रखा गया है। तो देखते हैं क्या कंडीशन है अंदर की, कैसा रास्ता है, कि हम वहाँ पे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। फिर भी देखते हैं, चल के देखते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए। और एक चीज़ और, अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही हमारी यूट्यूब की फैमिली और ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। तो मिलते हैं आगे। लेट्स गो गाइस, सो फाइनली ये समर आ चुका है। बस अब सीधे यहाँ से निकलेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये इसका मेन गेट है। ये हमारे अमित भाई, ये हमारे तारिक भाई, और ये समर आता हुआ, और पीछे से हमारे रोनी भाई। ये देखिए ये आ रहे हैं, आओ। तो अब सीधे अब निकलते हैं। अरे नहीं कोई ना आ रहा है यहाँ पे। मैं फिर भी यार कर दो एक बार। चलो गेट खोलो, गेट खोल दो। क्या सुनो मेरी बात सुन लो। आ जाओ सामने, आ जाओ इनके सामने आके पास। सुनो, अंदर जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको सब लोगों को नोट कराना चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, कोई भी एक्टिविटी दिखने की अगर आपको दिखे तो उसमें आप लोग को गौर नहीं करना है, एकदम से पैनिक नहीं होना है, भागना नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे सबको इशारा करना है और धीरे धीरे ही हम सब बंदे निकलेंगे वहाँ से, ठीक है। अच्छा, तुमको सिखा दिया है? अच्छा, लग तो ऐसी रहा है। यहाँ पर एंटर होते ही आप देख सकते हैं लोकेशन कितनी ज़्यादा खतरनाक है। हाँ तो है, अभी मैं दे दूंगा आगे चल के। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये सफाई हुई है। तो कभी
अचानक से इतनी ठंड सी लगने लगी है। तो आप देख सकते हैं ये दिन में अभी बज रहे हैं 3:00 हो रहे हैं, तब ये यहाँ का माहौल है वो। हाँ सुना तो हमने भी बहुत है यहाँ पे कि यहाँ पे बस रास्ते में चलते टाइम भी करना में कुछ आपको ऐसा फील होता है कि जैसे कि आपके साथ कोई चल रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपके साथ चल रहा है और कुछ छू रहा है, कुछ ऐसा चीज़ लगती है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जैसे थोड़ी थोड़ी ठंड सी मतलब लगने लगी है। और ये देखिए अचानक से इतनी हवा चल रही थी, अभी हवा नहीं चल रही थी लेकिन हवा देखिए एकदम से अपना आप चलने लगी है। अभी तक नहीं चल रही थी वो, ये हवा नहीं चल रही थी ये। तो तारिक भाई कह रहे हैं इनके पास शक्तियां हैं कुछ ऐसी। तो ये वो एरिया है, इसके अंदर जाके। लेकिन अब एक बात चीज तो देखो, हम लोग यहाँ पे अंदर कैसे जाएंगे यहाँ से। तो ये यहाँ पर कहा जाता था, ये जो ये सामने जो ये वाली जो लोकेशन है यहाँ पे यूं बोला जाता है कि ये, हाँ ये जो ये बना था ये 1961 शायद समथिंग उस जगह पे बना था उस टाइम में। तो यहाँ जो फैमिलीज वगैरह रही रहती थी, तो अचानक उनके साथ पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ऐसा बोला जाता है। तब से ही यहाँ पर कुछ लोगों को कहने में कुछ आवाज़ें भी आती हैं, कुछ चीज़ें भी ऐसी वो रहती हैं। तो देखते हैं क्या है यहाँ का हिसाब। और ये दिन में भी इतना ज़्यादा सुनसान पड़ा है। यहाँ से तो रास्ता भी नहीं लग रहा मुझे। हाँ हवाएं तो बंद हो गई हैं, अब एकदम सुन सन्नाटा सा हो गया। अच्छा ये है आगे, ये है वो मेन। ये वो मेन जगह है जिसके लिए बोला जाता है। कोठी के लिए तो यही बताते हैं कि यही वाली है। हाँ चल के देखते हैं। अरे कोई बात नहीं, ये वो जगह है तो बोला जाता है कि आ जाओ। मैं डर गया भाई साहब, ये बहुत ही तो जाता है इसको इतना 100, लेकिन ये है कि हाँ इसलिए इतना डर नहीं लग रहा है। और छत पे चलते हैं।
छत पे चलो, एक जना ऊपर चलो, तो ये चीजें ये आप देख सकते हैं इतनी पुरानी हो चुकी हैं। यहाँ पे लोगों ने यहाँ पर नाम वगैरह लिख रखे हैं। तो ये इतनी ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये बोला जाता है कि ये वाली जो जगह है इसमें क्या नाम है, वो जो लेडी रहती है लाल साड़ी में, वो यहाँ पर घूमा करती है, तो उसके आवाज़ें वगैरह आती हैं। तो मतलब हम इस जगह पे आ तो गए हैं, इतने मतलब गूज़बम्स ना ऐसे ये स्किन पे आने लगे हैं अभी से। तो ये ऊपर छत पे बोला करते हैं कि वो जो लेडी है वो छत पे रहती है और वहीं से मतलब देखा करती आवाज़ वगैरह आती है, ऐसे ही कुछ बताया जाता है इस जगह के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे, ये सारी टूटी हुई हैं। इधर चल के देखें यहाँ पे क्या है, इधर से देखें, नहीं इधर तो आए नहीं ना। तो ये ऐसी ऐसी जगह हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है वैसे। ये छोटी सी एक रास्ता टाइप सा ही है, पीछे है कुछ, हाँ उधर की साइड रास्ता जा रहा है इसमें। अबे मुझे कुछ ऐसा लगा, देख मुझे ऐसा लगा कि यहां से कोई गया है, इस वाले दरवाजे की साइड से मुझे कुछ ऐसा लगा। सो गाइस ऐसा लगा जैसे इस वाले गेट की तरफ से कुछ गया है। ये वाला जो गेट आप देख रहे हैं पीछे, इसमें ऐसा लगा जैसे कोई एकदम से हवा सी गई हो। भाई साहब यहाँ से देखती थी, हाँ यहीं से बताया करते थे कि इधर से वो लेडी देखती है लाल उसमें। कुछ आवाज सी आ रही है अमित भाई तुम्हें, कुछ आवाज सी आई तुम्हें, कुछ आवाज सी आई तुम्हें? नहीं मुझे लगा जैसे कुछ आवाज सी आई है। गाइस सच में कुछ ऐसा लगा जैसे यहाँ पे कुछ आवाज सी आई है। ये आगे तो जो बोलना चाह रहे हैं वो तो बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ और ही हिसाब लग रहा है। लेकिन वो चक्कर ही ऐसा लग रहा है ना कि जैसे तुम्हारे ऊपर कुछ चीज हावी सी हो रही है, ऐसा लग रहा है। तुम्हें क्या लगता कुछ है? नेगेटिव चीजें तो यहाँ नहीं, यहाँ पर मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई पीछे से एकदम से ना साए से एक से निकला। देखिए ऐसी जगहों पर मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, नेगेटिव चीजें होती हैं और कुछ हमें भी फील हुई है जैसे हम जैसे हाँ सर भी भारी सा है और मतलब एक नॉर्मली जो ठंड लगती है वो तो होती है, लेकिन क्या नाम है ये जो स्किन पे ये गूज़बम्स वगैरह देख रहे हैं ना, ये एकदम से खड़े हो चुके हैं।
मतलब अजीब सा एकदम से हो गया यहाँ पे, मतलब हम लोग यहाँ आ तो गए लेकिन एक अलग सी एनर्जी हमें यहाँ फील हो रही है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि बस यहाँ से निकल लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा देर तो रुकना बेकार है यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ तो देख ली हमने, अब नीचे जाते हैं, नीचे जाके देखते हैं, नीचे जाके देखते हैं क्या है। तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अरे ये क्या लगा था यहाँ पे, कुछ था, कुछ ऐसा लगा, नहीं नहीं कुछ लगा ऐसा यहाँ पे, यही कैंट में तो देखो। रोनी कहाँ चला गया, रोनी कहाँ गायब हो गया, इधर कुछ है, सो गाइज फाइनली जो भी कुछ ऐसा लगा मुझे शायद वहां पे कुछ था, ये तो लेकिन कुछ और ही था, ऐसा लगा जैसे किसी चीज की मूवमेंट हुई है यहाँ पे। तो गाइज की क्या नहीं थी तो उस हिसाब से पता नहीं पड़ पा रहा है, लेकिन वैसे रास्ता साफ है ये, सब एक साथ रहो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो जल्दी आओ ना, ये देख सकते हैं ये भी जो एक घर है ये, ये जगह तो उससे भी ज्यादा हमको बड़ी खतरनाक सी लग रही है। अरे रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, ओए ये मत करो भाई, पता चला वो छीक छीक की वजह से कोई आई जाए, सही में जो भी कोई एक्टिवेट भी नहीं है, पता चला एक्टिवेट हो जाए। ओ भाई साहब ये जगह बहुत खतरनाक सी है, वहाँ आगे जाने की हिम्मत नहीं, वो हमारी खोनी थी, मेरे को तो बहुत ज्यादा गूज़बम्स आने लगे। जाओ जाओ ये यहाँ के टॉयलेट्स वगैरह हैं शायद ये उस टाइम के, और इतनी ज़्यादा कंडीशन जगह की इतनी ख़राब हो चुकी है ना, तो देख लेते हैं वहाँ पे चल के, वहाँ चल के देख लेते हैं क्या है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देख लेते हैं क्या है। क्योंकि पहले इसको ही लो, ये क्या था,
क्या था? आगे बहुत लंबा है, आगे बहुत आगे तक है। आजा चलते एक बार चल के देख लेते हैं, फिर वहां से वापस ही आ जाएंगे ना। तो अबे जल्दी आओ जल्दी आओ। चलो वापस चल रहे हैं यार, अब ज्यादा आग मुझको ऐसा लगा देखो वहां पे कुछ कुछ परछाई सी है। अबे नहीं नहीं, आगे नहीं जा रहे, आगे चलना है। मैं तो चल रहा हूँ, कह रहा हूँ चलो। मैं तो कह रहा हूँ चल, आगे तो बहुत आगे तक है, बहुत लंबा है ये और अंदर तक है ये। बचाओगे कहाँ हेलमेट, जो दिखेगा ही नहीं। थैंक यू, मिलते हैं आगे नेक्स्ट व्लॉग में।